वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। सो वी आर बैक गाइस। तो गाइस अभी हम लोग जो है पहुंच चुके हैं अयोध्या। बहुत दिनों से हमारी प्लानिंग चल रही थी यहाँ घूमने के लिए, और लाइक समर वेकेशन आए हुए थे हमारे, और जैसे ही मौका पड़ा हम लोग आ गए घूमने। ये हम लोग का कार है और इसमें सब लोग बैठा हुआ है, और ये जो है और सामने जो है अयोध्या है। हम लोग अभी टाइम देख सकते हैं, 3:58 हो रहा है गाइज। अभी हम लोग पिछले 3 से 4 घंटे से रेगुलर ड्राइविंग कर रहे हैं ऑलमोस्ट, यानी सुबह 12 बजे से रात के 12 बजे से, क्योंकि ड्राइविंग करते आ रहे हैं लगातार, और किसी भी तरह बस आ रहे हैं नींद को हटा हटा के, और पहुंच गए हैं अब। और बहुत ही जो है मतलब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है यहाँ पर पहुँचने के बाद, इस गेट को टच करने के बाद, यहाँ से इंटर करने के बाद देख सकते हैं, और कितना ही सुंदर तरीके से ये सब कुछ बना हुआ है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है बता सकते हैं। आज तो अब हम लोग जो है अपनी गाड़ी को पार्क कर दिए हैं, और अब यहाँ से जो है निकल चुके हैं हम लोग। जो यहाँ पे सरयू घाट करके घाट है वहाँ पे जा रहे हैं लोग नहाने के लिए, जो कि यहाँ का मेन घाट भी है और मंदिर है। तो यहाँ पे मतलब जैसे नदी जो है उस नदी में जा रहे हैं हम लोग नहाने, और लाइक यहाँ पे इधर भी था लेकिन कुछ देर पहले तक ये नदी पूरी सूखी हुई थी, और हम लोगों ने लाइव प्रूफ देखे हैं लोग कि वो नदी सूखी हुई थी। और उस नहर में मतलब नदी नहीं कहेंगे, नहर में जो है उसमें लाइक कैनल कह सकते हैं, वहाँ पे लोग सोए हुए थे, और अचानक से जैसे उठे हम लोग उसके बाद थोड़ी देर के बाद पूरा वो भर गया था पानी से, और वहाँ से लोग हट गए थे। तो बस चलते हैं गाइस, और मैं मिलता हूँ आपको वहाँ पे पहुँचने के बाद। यहाँ पे ये जो है ये पूरा सरोवर टाइप का कह सकते हैं, या फिर कैनल या फिर नहर जो भी हो, इसमें सब लोग नहा रहे हैं कितने अच्छे तरीके से। बगल में नदी भी है लेकिन उतना जो है ना कॉन्फिस्केटेड एरिया में एक है, उसमें सब लोगों को नहाना है तो उतना साफ सुथरा नहीं है, तो लाइक इधर ही सब लोग नहा रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया अभी कुछ देर पहले तक इस नदी में लोग यहाँ पे सो रहे थे बीच में, और पानी जैसा है सब लोग उठ के हट गए, और उसके बाद फिर पूरा जो है और अब पानी पानी हो चुका है, और सब आप लोग नहा रहे हैं देख सकते हैं। अब मैं भी जाऊंगा नहा रहा हूँ, और हम लोग सब लोग नहाएंगे। तो गाइस अब हम लोग जो है निकल चुके हैं, और मतलब नहा वहा के एकदम रेडी होके फ्रेश होके निकल गए हैं लोग। हम लोग का क्रू मेंबर लोग है वो लोग जा रहा है ऊपर अपने गाड़ी के पास, और लाइक कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और पूरा फ्रेश होके एकदम निकल गए हैं यहाँ से। तो अब जा रहे हैं हम लोग राम मंदिर, और वहाँ पर मैं चलता हूँ। फिलहाल के लिए बता दूँ यहाँ पे एक छोटा सा, जैसे कि मैंने बताया था वो सरोवर टाइप का जो है उसमें बहुत ही मज़ा आया। एक तरफ से डैम टाइप का फॉल भी है, वाटरफॉल जैसे कह सकते हैं आप। पीछे दूसरे नदी से आ रहा था पानी उसमें, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही मज़ा आया इसको एंजॉय करने में। और सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो बहुत ही मज़ा आता है हमें इंजॉय करने के लिए। अगर आप आए हैं या फिर आना हो कभी तो यहीं पे सरयू जो नहर है इस साइड में वो यहाँ पे स्नान करें, बहुत ही मज़ा आएगा। और पूरा डेफिनाइट हाइट पे ही है जो पूरा इस तरफ से उस तरफ, मैं तो इस कोर से उधर कोर तक चला भी गया था एक बार, बहुत ही मज़ा आएगा इस। तो अब हम लोग जो है टीका लगवा चुके हैं और रेडी होके एकदम आ चुके हैं यहाँ पे। ये जो गेट है इसके नीचे एकदम से, और जो यहाँ से अब एंट्री शुरू हो चुका है। पहले हनुमानगढ़ी मंदिर आएगा, फिर उसके बाद ऐसे ही लगातार करके 2-3 और, उसके बाद जो है राम मंदिर जो है हमारा अयोध्या का मेन वो आएगा। गाइस तो देख सकते हैं ये कितना ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं अरेंज्ड फॉर्म में जो है सबको जाना है, एक लाइन में जाना है। जब मेरे को लग रहा है ज़्यादा भीड़ होती होगी तब इसका यूजेज ज़्यादा होता होगा। हम लोगों ने जो है हनुमान मंदिर के दर्शन कर लिए, और अब हम लोग जा रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर। देख सकते हैं इधर मारुति है गोद में चढ़ा हुआ है मामा के, और ये हमारी लाइन है भीड़ में, और मम्मी दीदी नानी आगे चली गई हैं, हम लोग भी अभी चल रहे हैं बस। जय श्री राम। गाइस अब हम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं दर्शन करके, बहुत ही टाइम लगा और बहुत ही मज़ा भी आया।
हम लोग को प्रसाद भी मिला, प्रसाद के तौर पर लाइची दाना जो होता है वो मिला भर भर के हम लोग को। एक्चुअली हम लोगों को ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मिल गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब ये सेंटर जहाँ पे आप वहाँ से एंट्री करते हो और यहाँ पे सामान रख सकते हो, जूते चप्पल इधर रखोगे और मोस्ट प्रोबेबली जूते चप्पल अपने गाड़ी में ही रख के आना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एग्जिट है। Onwards guys, finally अब हम लोग जाए, देख सकते हैं ये मंदिर था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था, अच्छे से दर्शन भी हो गए। और अगर आप आ रहे हैं तो सजेशन रहेगा कि राइट साइड के लेंस में ज़्यादा जाइए, लास्ट में जो मंदिर के गेट के सामने से एग्जैक्ट होना है वहाँ से राइट साइड में जाइएगा, जो थोड़ा अच्छे से दर्शन होता है वहाँ पे और लास्ट एंड तक आप जा पाओगे। इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर बीइंग अस।